नमस्कार, मैं उधरशंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के हमलों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभल भी नहीं पाए थे कि अब विजय कुमार मंडल भी, आरजेडी के ही विधायक हैं, वो भी बयान देने लगे और वो भी नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी लगातार शुरू से ही आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार पर जो हमला आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है वो लालू यादव के इशारे पे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से विजय कुमार मंडल ने उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो थ्योरी सामने रख रही है क्या वो वाकई में सही है? आखिर क्या वजह है कि आरजेडी के विधायक लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं? पहले हम आपको सुनाते हैं कि विजय मंडल क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं, हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव गांव में सड़क बनाया जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी लगे हैं, मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएंगे। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। इस समाधान के लिए इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो विजय मंडल ने कई समस्याएं गिनाई, वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सारण जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौतों का सौदागर कौन, सीएम और उपमुख्यमंत्री सारण की धरती कैसे स्वागत करेगी? जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, जिन बूढ़े माँ बाप के सहारे को छीन लिया गया और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार मिलना तक नहीं चाह रहे, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाता हूँ आपको। पहले मुख्यमंत्री जी, आप उस धरती पर गए हैं, सैकड़ों मौत हुई है, कई लोग आज भी इलाज करा रहे हैं, आंखों की रोशनी खो दिया। आप उसको मुआवजा देने की बजाय जो पिएगा सो मरेगा, ये संवेदनहीनता का शब्द कहीं न कहीं उसके दर्द को बढ़ा रहा है। आपके उस लाशों के ढेर पर आपके पुलिस महकमा अरबपति बन गए, अपने धन कुबेर की इमारत खड़ा कर लिए, उसकी समीक्षा कर समाधान क्यों नहीं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी, आज पुलिस अपराधियों की गोली से जिन निर्दोष का मौत हुआ है उसकी दर्द को सुनने का आपको फुर्सत क्यों नहीं? संगीनों के साए में कैसे दर्द बखान करे, आपके हस्तिनापुर के गुलामों के बीच कैसे उसकी दर्द की संवाद हो? तो विजय सिन्हा तो पहले से ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह हो गई कि आरजेडी जो सरकार में सहयोगी है, डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनके विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रणव, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आरजेडी जो हमला बोल रही है वो लालू के इशारे पर बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि क्या जो समाधान यात्रा नीतीश निकाल रहे हैं वहां कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे और जिसका नतीजा इस तरह से सामने आ रहा? देखिए, बिल्कुल, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही लगातार सुधाकर सिंह, जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो लगातार बिहार सरकार हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पर लगातार हमला बोल रहे थे। और बीते दिन की बात करेंगे तो लगातार सुधाकर सिंह का हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहा था, जिस पर सभी ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया और जदयू के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन आज राजद के दूसरे विधायक ने जिस तरीके से बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, विकास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने समाधान यात्रा निकाली है, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं ताकि समाधान हो सके, यानी कि विकास नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ कई तरह के आरोप भी लगाए, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। तो जाहिर सी बात है कि सुधाकर सिंह जिस लाइन पे चल रहे थे उस लाइन पर अब राजद के एक और विधायक सामने आ गए। लेकिन देखिए, दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के एक और विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन, उन्होंने भी आज एक बयान दे दिया है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि सुधाकर सिंह यानी कि राजद के
के कोटे से जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो बीजेपी के लाइन पर चल रहे हैं। मुकेश सोसन ने एक बड़ा बयान दे दिया है, अब इस बयान के बाद देखना होगा कि राजद में क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि एक विधायक राजद के, यानी कि महागठबंधन की घटक दल है, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके एक विधायक लगातार आरोप लगा रहे थे, सवाल उठा रहे थे मुख्यमंत्री पर, अब उनके दूसरे विधायक भी सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर की बात करें, अंदर खाने की, तो कुछ खनबन जरूर है। यही कारण है कि एक विधायक के बाद अब दूसरे विधायक भी आवाज उठाने लगे हैं। यदि इसी तरीके से चलते रहा तो आगे हो सकता है कि राजद के कई और भी विधायक हैं वो भी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि जिस लाइन पे सुधाकर सिंह चल रहे हैं उनका स्पष्ट कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री या फिर किसी और लोग से मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब है जनता से। हम चाहते हैं कि किसानों को लाभ मिले, जो आम जनता है उनको लाभ मिले, काम हो, इसी को लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं, और इसके लिए यदि कोई मुझे कुछ भी कहता है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से बयान आया दूसरे विधायक का राजद के, तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की चीजें हैं वो बाहर दिखने लगी है। बीजेपी को एक मामला मिल गया, क्योंकि बीजेपी लगातार शुरू से ही आरोप लगा रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी, तेजस्वी यादव पर भी, कि तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए यह गठबंधन हुआ था। लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चीजें हो रही थी, लेकिन आज बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया कि तेजस्वी यादव के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, यानी कि सुधाकर सिंह जिस लाइन पे काम कर रहे थे वो भी तेजस्वी यादव के कहने पर हो रहा था, और अब जिस तरीके से उनके दूसरे विधायक ने जो बयान दिया है वो भी तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है। वहीं उन्होंने ये तक कहा कि आने वाले समय में कई और इस तरीके के बयान आएंगे और तेजस्वी यादव कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि उन्हें सीएम बनना है। जब तक कुर्सी खाली नहीं होगी दिखाएंगे नहीं सीएम के, सीएम को ये दिखाएंगे नहीं कि वो उनको कितना मानते हैं, उनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपने विधायक पर, तब तक कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चीजें हैं अंदर खाने की वो अब सामने दिखने लगी, और इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को जरूर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटी थी बीजेपी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब महागठबंधन के घटक दल सरकार पे हमला बोल रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो कुछ ना कुछ जरूर है। इधर भाकपा माले की अगर हम बात कर ले तो उनकी भी संख्या कांग्रेस से थोड़ी कम है, 12 उनके विधायक हैं और पूरे लेफ्ट को मिला दे तो 16, उनका भी अब सवाल उठने लगा है, कई तरह की चीजों पर उनका भी बयान आने लगा है। आज जो सीपीआईएमएल के जो राज्य सचिव कुणाल है उन्होंने भी सवाल उठा दिया कि जाति आधारित जो गणना शुरू हुई है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को लगा दिया, तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं अब विरोध जो है वो महागठबंधन में दिखने लगा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले को किस तरीके से टैकल करते हैं, क्योंकि देखिए जब गठबंधन में आपके एक विधायक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं और जो काम नहीं हो रहे हैं या चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही है तो उस पर कहीं ना कहीं दूसरे विधायक भी जरूर सवाल उठाएंगे। वही चीज फिलहाल बिहार में देखने को मिल रहा है, और जिसका सीधा कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बीजेपी को पका पकाया चीज मिल रहा है, और उस पर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। युद्ध बिल्कुल प्रणव, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और हमारे साथ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिहार की सियासत में आरजेडी लगातार हमला बोल रही है, लेकिन जेडीयू और जेडीयू के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लगातार आरजेडी के विधायक, चाहे वो सुधाकर सिंह हो या मंडल हो, वो दोनों लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इसे लालू के इशारे पर किया गया हमला बता रही है, लेकिन जेडीयू ने चुप्पी साध कर रखी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति कौन सी करवट बैठती है।